आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड रोल्स। ये सारा सामान, प्याज, शिमला मिर्च, दही, चिकन और ब्रेड और पैन। चिकन होती है, चिकन क्या होता है? चिकन अभी जो है वो चिकन कम पड़ गई थी, तो हमने थोड़ी सी चिकन, मतलब ऐना थोड़ी सी चिकन रेशियो कर रही है। तो गाइस, ये हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, जो के हैं कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, अनियन, चिकन, ब्रेड क्रम्स, चीज़, और ये भी चीज़ है, और ये दही है। तो गाइस, इसके लिए आपको चाहिए तंदूरी मसाला, सोया सॉस, हॉट सॉस, वाइट विनेगर, दही और चिली सॉस। तो गाइस, अभी हम कुछ डाले हैं तेल है। और अब हम डालें तेल। गाइस, इसमें थोड़ा सा तेल गया है, और अब इसमें जाएंगी थोड़ी सी प्याज, में 2 टेबलस्पून जितनी प्याज रही है। इसको थोड़ा सा पिंकिश होने के बाद इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब जा रही है 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च। थोड़ी सी और हम 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च डालें, क्योंकि हमें थोड़ी सी कम लग रही थी। अब इसमें फेटेदार डलेगा तंदूरी मसाला, जाएगा 1 टीस्पून तंदूरी मसाला टाइप, रेडिश टाइप। जा रहा है 1/2 टीस्पून और, क्योंकि थोड़ा कम है, हमें कम लग रहा था। आपकी मर्जी, आप लोग की मर्जी। इसके अंदर जा रही है थोड़ी सी दही, अब ये हो रहा है मिक्स। इसके अंदर जैसे 2 टेबलस्पून दही, इसको थोड़ी अच्छी तरीके से हिलाने के बाद इसके अंदर जाएगी आपकी मर्जी से चिकन, आपको जितनी चाहिए चाहिए आप उतनी डाले, हमारी हमें जितनी चाहिए उतनी डालने हैं। और अब इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स, ताकि पूरी चिकन में मसाला फैल जाए। अब इसमें डालेगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस। हम एक साथ काफी अच्छी तरीके से बोल रहे थे। अब डालेगा 1 टीस्पून, हमें थोड़ी कम लग रही है तो हम थोड़ी और डाल लें। 1 टीस्पून इसमें गया है 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, और हमने 1/2 टेबलस्पून डाला था विनेगर। इसमें हमने 1 टीस्पून डाला था, डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इसमें हमने नमक नहीं डाला है, और अगर आपको नमक डालना हो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और कुछ स्पाइस और कुछ और डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये सारा मसाला, चिकन और सारी शिमला मिर्च और सब कुछ जा रहा है प्लेट के अंदर, और इसे हम डालेंगे ब्रेड। गाइस, इसे देख के मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, और अगर आपके भी मुँह में पानी आ रहा है तो प्लीज लाइक करें। गाइस, अब हमारी चिकन हो गई है रेडी, और हम काटेंगे ब्रेड के कोने। अब हम फटाफट काटते हैं ब्रेड के कोने। मैं ज्यादा अच्छे से काम करती हूँ, ये ब्रेड ही होती इसलिए करती हूँ। कैसे ज्वाइन करना है,
से भेज रहे हैं। बेलने के बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी चिकन। चिकन के जाने के बाद इसमें जाएगी चीज। वो आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं चिकन और चीज आप कितना खाते हैं। और फिर इसे रोल करना है क्योंकि हम ब्रेड रोल बना रहे हैं और इसको इसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। चारों तरफ पानी डालना ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। अभी मम्मा ने तो कम चीज डाली है, वैसे हम ज्यादा डाल के क्योंकि हमें चीज़ ही अच्छी चीजें लगती है। अभी ये रोल बन के रेडी हो चुका है। सर हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, अंडा चाहिए, अंडा पूरे और इसके अंदर डालना है अंडा। आज इसके अंदर डालना है अंडे निकाल लिए। फोर एग्स, टू एग्स, और इसे हम मिक्स कर रहे हैं। इसको डिप करेंगे अंडे में, उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्ब में, और ऐसे ही चलता है। ये आ गया है चिकन। ब्रेड को रोल करूं? ब्रेड को रोल करूं? ले लीजिए। अभी एक चला गया है, बहुत टेस्टी लग रहा है। इसको कान में लगाएं। الصبح بدا من طالعته। बाकी हम सब इसमें बॉक्स में डाल के सेव कर रहे हैं और अभी हमने सिर्फ दो फ्राई किए हैं टेस्ट करने के लिए। ये रेडी हो चुके हैं हमारे ब्रेड रोल्स। चलो टेस्ट करो अपना कारनामा। गरम है अभी सब। गाइस आपको लग रहा होगा ये फ्रेश है ना, जैसे उसे कांटे से और छुरी से यूं करके खा लें। शक्ल तो अच्छी आई है, गुड, अच्छी मेहनत की है, वेरी गुड। मैंने सब कुछ किया है, इसने कुछ जगह भी नहीं रखा, सिर्फ चिकन डाली, अंडा डाला उसके ऊपर। नहीं, दोनों ने मिलके किया, इतना ज़्यादा इसने नहीं किया। नहीं, मुझे करने देती ना तो मैं आपसे ज़्यादा कर सकती। नहीं नहीं, इसने भी मुन पसीने के साथ इसमें इसके आंसू भी मिले हुए आए ना। गाइस आप देख सकते हैं पसीना मुझे आया हुआ है। ये तो ऐसी सीधी सीधी शादी, आपने पसीना बहाया और इसने आंसू भी बहाए। मुझे करने दो, मुझे करने दो, मुझे करने दो। कैमरा के पीछे हमारी लड़ाइयाँ चलते हुए जैसे स्टेडियम में आगे पता पता हो आगे आगे आगे। स्पाइडरमैन की जाल देखिए कितना यम्मी लग रहा है। उमेरा उठ गए राजू।
गरम है अम्मा। अब कोई गरम नहीं लगता चाइनीज लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा राजू उठ गया। तो फाइनली बन गई आप लोगों की एक डिश। अब नेक्स्ट डिश के लिए अब बोल दो कि नेक्स्ट ब्लॉग कुकिंग ब्लॉग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मम्मा का दोबारा दिमाग बने। ये ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर मम्मा का मूड हुए तो नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसी चीज कुछ बनाएंगे। कि कैसा कैसा बनाए और कमेंट में हमें जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय। इसमें से नहीं निकलते निकलते गई।